आदिवासी जनजाति विकास विभाग में खुलेआम माफिया राज चल रहा है। उसका जीवित उदाहरण मनावर तहसील के मनावर विकास खंड के शिक्षा अधिकारी अमर सिंह वासकेल है। इनके द्वारा अपने विकास खंड में सरकारी नियमों कानूनों को ताक पे रखकर अपना माफिया राज चल रहा है। अमर सिंह वासकेल द्वारा जब मनावर विकास खंड के शिक्षा अधिकारी के रूप में प्रभार लिया गया तो इन्होंने अपने विकास खंड में संचालित होने वाले समस्त छात्रावासों एवं आश्रमों के अधीक्षकों को एक मीटिंग में बुलाकर स्पष्ट तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि अब इस विकास खंड के अंतर्गत संचालित होने वाले समस्त छात्रावासों आश्रमों में अधीक्षकों के रूप में सिर्फ एससी और एससी एसटी के वर्ग के कर्मचारी ही पदस्थ होकर कार्य का संचालन करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का पालन करना पड़ेगा। यदि यह सब मंजूर हो तो आप कार्य कर सकते हैं। इसी कड़ी में राकेश पाटीदार, जिनका मूल पर संविदा अधीक्षक है, अमर सिंह वासकेल के द्वारा राकेश पाटीदार से रुपयों की मांग की गई। इनके द्वारा की गई मांग की जरूरत को पूरा नहीं कर पाने के कारण इन्हें अपने संविदा अधीक्षक के पद से हटाकर इनकी जगह दूसरे अध्यापक परसराम को पदभार दिया गया, जिनका मूल पद सहायक शिक्षक का है। इस प्रकार मनावर विकास खंड के शिक्षा अधिकारी अमर सिंह वासकेल एक तरह से जंगल राज या माफिया राज का संचालन कर रहे हैं और धार जिले के मुखिया आदिवासी जनजाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त ब्रजेश चंद्र पांडे ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह समझ से परे है। इसी कड़ी में धार विकास खंड के ग्राम केसूर में एक छात्रावास अधीक्षक ब्रजेश मीणा, जिनका मूल पद संविदा अधीक्षक का है और उन्हें इसी पद पर कार्यरत करते हुए 5 से 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। एक ही जिले में एक ही विभाग में यह कैसा प्रचलन है कि दो दो नियमों का पालन हो रहा है, जो माल दे रहा है वह छात्रावास अधीक्षक के पद पर अंगद के पैर की तरह जमा है और जो माल नहीं दे रहा है उसे 3 वर्ष पूर्ण होने का बहाना बताकर उसको हटा दिया जाता है और सहायक अध्यापक के पद वालों को तगड़ा माल लेकर नियुक्त कर दिया जाता है। मनावर विकास खंड के अंतर्गत एक और छात्रावास अधीक्षक अमित शर्मा, जो उत्कृष्ट बालक छात्रावास के संविदा अधीक्षक हैं, इन्हें भी हटाने का आदेश हुआ था, लेकिन समय रहते अमित शर्मा कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए और कहीं और पदस्थ होने से बच गए। किंतु यह समझ से परे है कि धार जिले में संविदा अधीक्षकों को क्यों हटाया जा रहा है और इनके स्थान पर सहायक शिक्षक अध्यापकों को नियुक्त किया जा रहा है। संपूर्ण जिले में यह स्थिति निर्मित हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विभाग प्रमुख क्यों इस स्थिति को सुधारने की कवायद नहीं करते हैं। विश्वस्त सूत्र यह बताते हैं कि सारा माजरा जिला मुख्यालय से ही प्रारंभ होता है और विकास खंडों पर जाकर खत्म होता है। विभाग प्रमुख चाहे तो इस पर पूर्णता पूर्ण लगाम कस सकते हैं, लेकिन शुभ लक्ष्मी के चक्कर में वह भी मजबूर है। यह स्थिति पर अंकुश कब लगेगा, यह समझ से परे है। कहाँ पे आप? मैं अभी तो मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है सर। संविदा वालों का स्थानांतरण नहीं होता, फिर आपका स्थानांतरण कर दिया? ये तो तत्कालीन बीओ साहब थे श्री वास्कले जी, वो आए, पदभार ग्रहण किया और पहली मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था कि एसटी एससी छात्रावासों में सिर्फ एसटी एससी ही अधीक्षक पदस्थ रहेंगे और मेरे नियम शर्तों के अनुसार चलेंगे और अगर नहीं चलना हो तो आपको हटा दिया जाएगा। इसी वजह से आपको हटा दिया गया? हाँ, इसी वजह से मेरे को हटा। तो उनके नियम शर्त क्या थे? उनके नियम शर्त यही थे कि या तो बने रहो हॉस्टलों में, बने रहो तो पेमेंट दो, उनके द्वारा मांग की गई मेरे से। सर फिर आपको हटा दिया तो अभी आप कहाँ पदस्थ हैं? अभी मैं प्रावी पंचखेड़ा में। पंचखेड़ा में? पंचखेड़ा में। सर आप जिस छात्रावास से हटे हैं उस छात्रावास का नाम? शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मनाओ। मनाओ अब हट गया तो वो आपकी स्थिति में उस छात्रावास की क्या स्थिति? अभी तो बहुत दयनीय स्थिति है सर उसकी। वहाँ मैंने सुना था या पालक भी मेरे पास पूछा आए थे कि सर अब यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, आप वापस आ जाओ, लेकिन मैंने फिर मना बोल दिया। मैंने कहा अब मेरे को हटा ही दिया गया है, मेरी कुछ गलतियाँ रहती तो मैं मान्य रहता कि मैं वापस आ भी जाऊँ, लेकिन मैंने बेवजह मेरे को वहाँ से हटा दिया गया। ये एक दुर्भावनावश किया है आपके साथ? हाँ, ये जातिगत दुर्भावनावश भी किया गया है और अब बीओ साहब का वर्चस्व था उस समय। सर अमर सिंह वासकेल के खिलाफ इतनी शिकायत तो हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब ये तो शासन ही जाने।
अभी हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हम क्या कर सकते। अच्छा सर, अभी उस आश्रम की स्थिति क्या है? अभी तो बहुत दयनीय स्थिति है उस छात्रावास की। वहाँ ना तो कोई बच्चे रहे और ना कोई वहाँ का कोई रिकॉर्ड, सब अस्त व्यस्त कर दिया गया। मेरे द्वारा मैंने वहाँ 8-6 साल चलाया हॉस्टल हूँ, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास। सर आपकी जगह वहाँ पे किसको पदस्थ किया? वहाँ मेरी जगह श्री परशुराम डाल के सहायक शिक्षक है वो, और मेरा पद तो मूल अधीक्षक का ही था और हमको हटा दिया गया और हमको शिक्षण कार्य में